Assalamualaikum everyone. I hope so all doing well. So आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे what is recursive definitions, recursive definition of positive even numbers, positive even integers, recursive definition for palindromes. इसकी example ये वाली देखेंगे. तो इससे पीछे वीडियो में हमने मेथड पढ़े थे डेफिनेशन के. इसके फोर मेथड है इसके. पहला हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन पढ़ा. उसमें हमने पढ़ा कि सिंपल उसमें क्या था. डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में ये था कि कोई भी हम रूल डिफाइन कर देते थे और उसे लैंग्वेज बना देते थे. और इस तरह एक ये रिकर्सिव डेफिनेशन है. इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे एक आगे लैंग्वेज है रेगुलर एक्सप्रेशन और फिनाइट ऑटोमेटा. आगे आगे जैसे जैसे वीडियो को कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे इसको समझते जाएंगे. तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है. रिकर्सिव डेफिनेशन का जो बेसिकली मीन है वो है दोहराना, बार बार मतलब रिपीट करना. रिकर्सिव से ही शो हो रहा है. वो कहते हैं ना, लफ्ज़ खुद ब खुद बोलता है कि क्या मतलब है इसका. रिकर्सिव, रिकर्सिव मतलब दोहराना, बार बार रिपीट होना. तो इसको पढ़ते हैं कि रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है. जैसे कि आप मिसाल ले लें कि दुनिया में कोई भी काम हो, मशीन पर ऑपरेट करना हो, वैसे भी डेली लाइफ में कोई काम करना हो, तो उसके लिए हम कोई भी रूल डिफाइन करते हैं. जैसे ऑटोमेटा मशीन में हम यूज़र कोई भी इनपुट देता है, वो देखता है कि ये रूल वैलिड है या इनवैलिड है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए. इसी तरह इस रिकर्सिव डेफिनेशन में भी रूल बताए गए हैं जिससे लैंग्वेज डिफाइन होगी. तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. इट इज़ द वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड. ये भी एक लैंग्वेज है जो कि मेथड को डिफाइन करती है. इन दिस मेथड वी सिंपली डिस्क्राइब द लैंग्वेज विद थ्री स्टेप्स. इस लैंग्वेज को हम डिस्क्राइब करेंगे थ्री स्टेप से. जैसे कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में हमने सिर्फ ओनली वन स्टेप था कि स्टेप क्या था, कि एक मेथड ही था, कि रूल था हमारे पास जिसको हम डिफाइन करके लैंग्वेज डिस्क्राइब कर देते थे. इसमें तुम्हारे पास थ्री रूल्स हैं. क्या रूल्स हैं? फर्स्ट रूल है वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट. समझ लगी होगी? ऑब्वियसली नहीं लगी होगी समझ, क्योंकि ये इसको हम एग्जांपल की मदद से देखेंगे. वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट, द नंबर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई मस्ट बी फिनाइट. इसका क्या मतलब है? वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि कोई हमने लैंग्वेज डिफाइन करनी है पॉजिटिव इवन नंबर की. पॉजिटिव इवन नंबर की हमने लैंग्वेज डिफाइन करनी है. उसके अंदर हमें पता है क्या नंबर आते हैं. उसके अंदर शामिल होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन. तो ये इसका मतलब ये है, वी स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट. कोई भी जो पहला लफ्ज़ होगा लैंग्वेज को, पहले हम देखेंगे कि हमने किस तरह की लैंग्वेज बनानी है, पॉजिटिव इवन नंबर की बनानी है. तो हमने उसके अंदर पहला लफ्ज़ स्पेसिफाई कर लेना है सेट के अंदर के 2. द नंबर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई मस्ट बी फिनाइट, और नंबर फिनाइट होंगे उस स्पेसिफाई सेट के अंदर जो हमने बनाया होगा. तो मतलब इसका ये मतलब है कि कोई भी हमने मतलब लैंग्वेज बनानी है, उसके हम जज कर लेंगे कि इसका पहला लफ्ज़ क्या होगा. मतलब सम बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट, उसका पहला करेक्टर हम सेट कर लेंगे कि 2 है. जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है कि वी गिव अ फिनाइट नंबर ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट इन द सेट फ्रॉम द वंस वी आर रेडी नाउ. इसका मतलब ये है कि पहला तो लफ्ज़ हमें पता है, पहला वर्ड हमें पता है कि क्या है. पहला वर्ड हमें पता है 2 है. इस 2 वर्ड को लेते हुए बाकी भी हम नंबर्स को कैसे बनाएंगे, बाकी नंबर्स को कैसे सेट करेंगे. तो ये इस सेकंड रूल कह रहा है कि उसमें मतलब क्या ऐड करें कि अगला नंबर हमारे पास बनेगा. तो फर्स्ट नंबर को लेते हुए, फर्स्ट स्टेप को लेते हुए सेकंड स्टेप को हम पूरा करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या होगा. वी गिव, हमें मिलेगा कोई फिनाइट नंबर ऑफ रूल्स, कोई ऐसा फिनाइट नंबर ऑफ रूल लगाएंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट इन द सेट, कि उसके अंदर बाकी जो सेट है, सेट के जो मतलब ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे बनेंगे. देन वंस वी आर रेडी नाउ, पहला हम आर रेडी जानते हैं. जो थर्ड इसका रूल है वो सिंपल सा ये है कि थर्ड वी डिक्लेयर डैट नो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट दूस कंस्ट्रक्टेड इन दिस वे आर अलाउड इन दिस सेट. थर्ड स्टेप ये हमें कह रहा है कि उन दो रूल जो हमने ऊपर डिफाइन कर दिए हैं उनके अलावा कोई और रूल नहीं होगा. सिंपली सी इसमें ये बात है. तो ये आज एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं तो काफ़ी अच्छा समझ लगेगा.
और अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। तो एग्जांपल क्या है रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पॉजिटिव इवन नंबर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। वो कह रहा है कि कोई भी मुझे पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट बना दो कि पॉजिटिव इवन नंबर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर वन माइंड में होना ज़रूरी है कि क्या है, वी स्पेसिफाई सम ऑब्जेक्ट इन द सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जज करना है, पॉजिटिव इवन नंबर का सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद हमने फर्स्ट नंबर को जज करना है सेट के अंदर कि क्या उसको सेट करें, टू इज इन या पॉजिटिव इवन नंबर। तो फर्स्ट रूल हम सेट कर लेंगे कि टू इज एन पॉजिटिव इवन नंबर, टू हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर होगा। देन सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास कि एक नंबर तो हमने सेट कर लिया टू पॉजिटिव इवन नंबर है, देन आगे नेक्स्ट हमारे पास कैसे नंबर बनेंगे, मतलब कैसे अगले करेक्टर बनेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर का सेट बन जाए। तो सिंपली सी बात है कि रूल नंबर टू अप्लाई करते हुए उसके अंदर कोई भी नंबर हम टू को जो हमने नंबर स्पेसिफाई किया है, फॉर एग्जांपल इधर हम एक्स ले लेते हैं, ये एक्स एज अ टू की जगह पे यूज़ हो रहा है, तो एक्स इज इन अ पॉजिटिव इवन नंबर बाय रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या था कि एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर है, देन सो इज एक्स प्लस टू इज अ, मतलब रूल को फुलफिल कर रहा है कि अगर पहला नंबर हमने टू लिया है उसके अंदर हम एक्स प्लस टू को ऐड करेंगे तो अगला हमारे पास इवन नंबर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक्स प्लस टू मतलब टू प्लस टू फोर, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स हमारे पास फोर हो जाएगा, उसके अंदर फिर हम टू ऐड करेंगे सिक्स, इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर का सेट बन जाएगा। रूल क्या है कि द ओनली एलिमेंट इन द सेट पी इवन नंबर दूज कैन बी प्रोडक्टेड फ्रॉम टू रूल्स अबव। वो कह रहा है कि इस रूल के अलावा और कोई रूल नहीं है जो ऊपर हमने दो यूज़ कर लिए हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर पैलेंड्रोम। रिकर्सिव डेफिनेशन बाय पैलेंड्रोम क्या है, पैलेंड्रोम हमने पता है कि किसी भी मतलब स्ट्रिंग का हम रिवर्स लें तो वो उस स्ट्रिंग के ही बराबर आता है। तो इसके अंदर हमारे पास एक नल सेट होगा ए एंड बी, कोई भी हम अल्फ़ाबेट डिफाइन कर देंगे आर इन पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम के अंदर कोई भी ए एंड बी हम डिफाइन कर देंगे इफ़ वर्ल्ड बिलोंग्स टू अ पैलेंड्रोम। अगर वर्ल्ड हमारे पास पैलेंड्रोम से बिलोंग करेगा देन सो आर ए डब्ल्यू एंड बी डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू वर्ल्ड हमारे इसके दरमियान आएगा। स्टार्ट भी ए से करेंगे और एंड भी ए से करेंगे, इसी तरह ये भी स्टार्ट भी ए भी ए से करेंगे एंड भी बी से करेंगे। इसके दरमियान कुछ भी करेक्टर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है डब्ल्यू। इधर हम कहते हैं कि इफ़ ई बिलोंग्स टू अ पैलेंड्रोम तो इसके अंदर आ जाएगा ए ई ए ई ए एंड बी ई ए। जब हम इन दोनों को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास पैलेंड्रोम बनेगा, सेम यही स्ट्रिंग हमारे पास आएगी। नेक्स्ट थ्री रूल में क्या कह रहा है कि नो अदर स्ट्रिंग्स इज इन अ पैलेंड्रोम अनलेस इट कैन बी प्रोड्यूस बाय रूल वन एंड वन, मतलब इन ऊपर वाले दो रूल्स के अलावा कोई हमारे पास रूल नहीं होगा। क्या थी रिकर्सिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन थी कि थ्री मेथड्स डिफाइन करेंगे, मेथड डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे कोई भी एक सम बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट अपना स्पेसिफाई कर लेंगे एक बेसिक ऑब्जेक्ट सेट के अंदर। तो उस सेकेंड स्टेप ये था कि उस मतलब जो फर्स्ट नंबर सेट किया होगा उसको ले के बाकी हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे। तो ये था थर्ड रूल था कि नो मोर ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों रूल्स के अलावा कोई और रूल नहीं होगा। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्जांपल है कि डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इंटीजर, कोई भी डिफाइन लैंग्वेज करो इंटीजर की। स्टेप वन क्या होगा, इंटीजर में हमें पता है पॉजिटिव नंबर भी आते हैं इवन नंबर भी आते हैं। पॉजिटिव नंबर होते हैं वन से लेके अप टू सो ऑन, नेगेटिव नंबर जीरो से वन से लेके अप टू सो ऑन, और नेगेटिव नंबर होते हैं माइनस वन से लेके अप टू सो ऑन। मतलब राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, लेफ्ट साइड पे इवन नंबर आएंगे। तो रूल क्या है, पहले तो रूल नंबर वन अप्लाई करेंगे, कोई भी स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट करेंगे इसके अंदर, वन इज इन अ इंटीजर, वन को हम सेट कर लेंगे एज अ इंटीजर, मतलब एक नंबर स्पेसिफाई कर लेंगे सेट के अंदर लैंग्वेज बनाने के लिए। सेकंड रूल क्या कहता था कि उस जो हमने स्टेप वन के अंदर जो ऑब्जेक्ट सेट किया है उसको लेके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे कि एक्स हैज़ अ हमारे पास वन है, तो इफ़ एक्स इज इन एन इंटीजर देन एक्स प्लस वन, अगर उसके अंदर हम एक्स प्लस वन करते जाएंगे तो वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर अप टू सोन राइट साइड की तरफ एंड, और उसके अंदर अगर हम एक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास बनता जाएगा
माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर लेफ्ट साइड पे अप टू सो ऑन आर आल्सो इंटीजर, ये हमारे पास इंटीजर बन जाएगा। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दूज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन इंटीजर। स्टेप थ्री ये कह रहा है कि कोई और अलाउ रूल नहीं होगा ऊपर वाले दो स्टेप को यूज़ करते हुए। अनदर एग्जाम्पल है डिफाइनिंग अ लैंग्वेज ऑफ इवन इंटीजर। इवन इंटीजर की लैंग्वेज बनानी है कि इवन इंटीजर के अंदर नंबर क्या आएंगे। हमारे पास हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे टू माइनस फोर माइनस टू सॉरी टू फोर सिक्स, और नेगेटिव इंटीजर हमारे पास होंगे माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स एंड अप टू सो ऑन। तो स्टेप वन क्या, वन क्या है कि पहले हम टू को स्पेसिफाई कर लेंगे ऑब्जेक्ट को। टू इज इवन नंबर, टू इज हमारे पास एक इवन नंबर को सेट कर लेंगे। स्टेप वन ये है, रूल नंबर वन है कि उसके अंदर हम If x is an even, अगर x हमारे पास even है, ये x as a 2 ही है हमारे पास, x is an even, then x plus 2 and x minus 2 are also an even। जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि ये हमारे पास integer का हमने किया था x plus 1, x minus 1, इसी तरह as it is ये है कि x plus 2 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2, 4, 6, राइट साइड पे इसी तरह लेफ्ट साइड पे x माइनस टू करेंगे तो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स अप टू सो ऑन। थर्ड स्टेप यही है कि इन दो रूल्स के अलावा कोई और रूल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर की आपको बेहतर से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।